हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखा था। अभी हम पढ़ेंगे कि लैडर प्रॉब्लम। लैडर प्रॉब्लम में क्या होता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और आपको इक्वेलेंट कैपेसिटेंस क्या है कैलकुलेट करना होता है ना। तो लैडर प्रॉब्लम तो हम लिखेंगे क्या होगा, तो लैडर प्रॉब्लम ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, जैसे देखो इसमें क्या क्या, जैसे एक एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है कि एक ऐसे सर्किट दिया हुआ है और ये क्या है इनफाइनाइट तक है। ए क्या दिया हुआ है, दिस इज ए और दिस इज क्या है बी। आपसे पूछा गया है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड क्या है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। क्या है पॉइंट ए एंड बी के बीच क्या करना है आपको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन क्या होगा, बिटवीन पॉइंट, बिटवीन ए एंड क्या होगा, ए एंड बी एज सून इन द फिगर। ठीक है, अब क्या करना है देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा हम सिमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आई मीन कॉन्सेप्ट से, कि देखो ये क्या है इनफाइनाइट, ये पैटर्न है। देखो ध्यान से डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करो, यहाँ से, तो ये क्या हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वही चीज़ क्या है, रिपीट हो जा रहा है। तो यदि हम मान लें कि हम यहाँ क्या करें, सॉल्यूशन में यदि हम कंसीडर कर लें, आई मीन हम लिखें कि लेट एक्स बी द क्या होगा, बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बिटवीन, कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट क्या होगा, पॉइंट पॉइंट्स ए एंड बी, देन हम आसानी से बोल सकते हैं। देखो इसको यदि हम हटा दें यहाँ से, देखो यहाँ से भी रिपीट हो रहा है, यहाँ से भी, लेकिन जहाँ से पहली बार रिपीट हो रहा है वहाँ से हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में सर्किट को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एक हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक सर्किट क्या हुआ, ये वाला हो गया, और एक सर्किट यहां से ब्रेक करके मैंने दिखाया है। देखो ध्यान से, ये इनफाइनाइट हो गया। तो यदि इनके बीच x है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इनके बीच वाला भी, इनके बीच भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, क्या होगा, आई मीन क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक इनको भी हम क्या कर सकते हैं, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस बाई ए कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस इज क्या होगा, एक्स। सही है क्या, तो अब हम क्यों, क्योंकि ये क्या है, देखो यहां से रिपीट हो रहा है, फिर यहां से रिपीट हो रहा है, फिर इसके बाद क्या होगा, रिपीट होगा, लेकिन पहली बार जहां से रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमने यदि ए और बी के बीच क्या है एक्स माना है, तो इसके इसको हटा दो, आई मीन इसको आप हटा दो, तो फिर वही पैटर्न क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यदि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या दिया हुआ, एक्स दिया हुआ है, तो इनके बीच भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो अब सर्किट किस तरह हो जाएगा, ए सी दिस इज सी, दिस इज क्या होगा, एक कैपेसिटेंस हुज कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस इज एक्स, और कुछ इस टाइप का
पैटर हो जाएगा। यही क्या हुआ, ए दिस इज बी, ए सी है, ए सी है एक्स। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रीड्रॉ करके, ये ए हुआ और ये क्या हुआ बी, है ना सी, और ये कितना हो जाएगा सी प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको। देखो इससे भी एक प्रॉब्लम पूछा जाता है, तो अब क्या लिख सकते हैं यहाँ, सी आई मीन x इक्वल टू, हम लिख सकते हैं सी ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, c प्लस एक्स इन टू सी अपॉन एक्स प्लस क्या है टू सी। अब सी ए बी हमने कितना माना है, अगेन कितना माना है x, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू सी प्लस एक्स इन टू सी अपॉन क्या होगा x प्लस क्या हुआ टू सी, तो कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर माइनस सी एक्स इक्वल टू जीरो। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस फोर सी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा टू। देखो यहाँ हमने प्लस माइनस आप लिखो, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस सी प्लस माइनस रूट फाइव सी बाई क्या हो जाएगा टू। यहाँ एक्स का वैल्यू ऐसे लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो माइनस सी प्लस माइनस रूट क्या होगा फाइव सी बाई क्या होगा टू। कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो एक्स क्या वैल्यू जो होगा एक्स ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, तो इसलिए हम एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे रूट फाइव माइनस वन। ठीक है, रूट फाइव माइनस वन बाई टू इंटू क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब यदि यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दिया जाए तो पूछा जाए कि इसकी इस सेक्शन के बाद चार्ज का वैल्यू क्या होगा, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, यदि मुझे इस सेक्शन में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से हम पैरेलल से यहाँ दिए क्या होगा क्यू चार्ज आ रहा है, तो अगेन आप क्यू एक्स कैलकुलेट कर सकते हो, क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू, ठीक है सी अपॉन क्या लिख सकती हूँ एक्स अपॉन क्या होगा सी प्लस क्या होगा एक्स। यहाँ से आसानी से फिर उसके बाद हम रिपीट करके ऐसे ही किसी भी सेक्शन में पूछा जाए कि इसके बाद फिफ्थ सेक्शन के बाद चार्ज का सिक्स सेक्शन में कितना चार्ज फ्लो होगा, सेकंड सेक्शन में कितना, सेवन्थ सेक्शन में कितना चार्ज फ्लो होगा, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम क्या था ये था, दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या होगा आइए उसको भी देखते हैं। बस इसमें क्या करना है इक्विवेलेंट से क्या करना है रिप्लेस कर देना। दूसरा एग्जांपल देखो कि ऐसे दिया हुआ है, ठीक है अगेन आपको क्या करना है ए और बी के बीच क्या करना है, सबका कैपेसिटेंस क्या दिया हुआ है सी 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 ऐसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सी सी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये मान लें कि लेट क्या है फाइंड, अगेन क्या करना है फाइंड इक्विवेलेंट, है ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी के बीच आपको क्या करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या करना है कैलकुलेट करना है, क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, हम मानेंगे क्या है, देखो रिपीट कहां से हो रहा है, रिपीट कहां से हो रहा है ध्यान से देखना, रिपीट अगेन कहां से हो रहा है यहां से हो रहा है। ठीक है, तो जहां से पहली बार रिपीट हुआ वहां से क्या करना है दो पार्ट्स में ब्रेक कर देना है, और यदि हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्स माना तो क्या करना है इस टोटल के जगह मुझे एक कैपेसिटर यूज करना है जिसका कैपेसिटेंस क्या होगा एक्स होगा। तो हम लिख सकते हैं कि लेट लेट एक्स बी द क्या होगा एक्स बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट क्या होगा पॉइंट ए एंड क्या होगा बी। ठीक है,
किसके बीच है? ए एंड बी के बीच क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया हुआ है। अब हमने मान लिया ऐसा दिया नहीं, हमने मान लिया, तो अब सर्किट हम क्या कर रहे हैं? रीड्रॉ। तो अब क्या होगा? देखो हमने, मुझे क्या करना है, मैंने क्या बताया कि कैपेसिटेंस, कैपेसिटर से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, जिसका कैपेसिटेंस क्या होगा? एक्स होगा। ए सी हो गया, सी और ए सी हो गया, अगेन ए बी, इसको और एक बार रिप्लेस करो तो ये क्या हो जाएगा? देखो कुछ सर्किट ऐसे हो जाएगा, ए और क्या हो जाएगा? बी सी सी, और ये क्या हो जाएगा? सी प्लस एक्स। एक बार और रिप्लेस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? एक बार और रिप्लेस करो तो सर्किट कुछ ऐसे हो जाएगा, ए और बी, ये क्या हो जाएगा? सी बाई टू, सी प्लस क्या हो जाएगा? एक्स। अब हम लिख सकते हैं सी ए बी इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? सी बाई टू इंटू सी प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा? सी प्लस टू सी प्लस क्या होगा? एक्स डिवाइडेड बाई टू, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सी इंटू क्या होगा? सी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई थ्री सी प्लस टू एक्स। यहाँ अगेन क्या दिया? एक्स हमने माना है, तो सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा? टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा? टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सी एक्स माइनस सी स्क्वायर माइनस सी एक्स इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? माइनस टू सी प्लस, प्लस ही साइन ले रहा हूँ या माइनस नहीं ले रहा हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? फोर सी स्क्वायर प्लस एट सी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? फोर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन क्या हो जाएगा? आंसर आएगा, क्या आएगा? देखो क्या आएगा, अब हम क्या करेंगे? x इक्वल टू लिख दें, क्या है? x इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा? देखो ये 12 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12 को 4 क्या लिख सकते हैं? टू रूट थ्री लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 2c इंटू रूट थ्री माइनस वन बाई कितना हो जाएगा? 4, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या आया? रूट थ्री माइनस वन सी बाई क्या हो गया? 2, ठीक है। अब मैं एक जनरल रिजल्ट बता देता हूँ, आप क्या करना है इसको खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ए सी वन सी टू अगेन क्या है? सी वन सी टू और ये क्या है? इनफाइनाइट। आप ए और दिस इज बी, अगेन क्या है? फाइंड इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, क्या होगा? बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन द फिगर, कैपेसिटेंस बिटवीन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन द फिगर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना और C1 इक्वल टू C2 रखोगे तो अभी मैंने बताया था रूट फाइव माइनस वन बाई टू इंटू क्या होगा? C1 इक्वल टू C2 के केस में आएगा। तो इसका आंसर भी आप चेक कर सकते हो, आंसर मैं लिख देता हूँ कि सी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? आंसर तो आपको चेक करना है क्योंकि आंसर मुझे याद नहीं है, आप चेक कर लेना, लेकिन कैसे क्रॉस चेक करोगे इसको? C1 C2 को इक्वल करके देख लेना कि इफ C1 इक्वल टू C2 तो कितना आना चाहिए? रूट फाइव माइनस वन अपॉन क्या होना चाहिए? टू आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर जो है वो क्या है? करेक्ट है। अब हम देखेंगे क्या है कि प्लेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे, है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे जनरली क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको दो मेथड से हम ट्राई करेंगे, एक तो सिंपल क्या है सर्किट ड्रॉ करके, और तो हम लिखेंगे क्या है
हम लिखेंगे कैलकुलेशन यहां लिख देता हूं प्रॉब्लम क्या होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स ठीक है क्या है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपसे तो सबसे पहले पूछा जाए कि यदि पैरेलल प्लेट्स रखा हुआ है मोर देन टू प्लेट्स टू का तो आप जानते ही हैं तो आपको क्या करना है सीरीज पैरेलल का क्या करना है कॉन्सेप्ट यूज करके क्या करना है इसको सॉल्व करना है क्या करना है सॉल्व करना है तो इसमें जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप सबसे पहले क्या करना कि जिस दो पॉइंट के बीच आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना होगा उन दोनों पॉइंट के बीच बैटरी को कनेक्ट कर दो और बैटरी के लोअर टर्मिनल को आप जीरो पोटेंशियल मान लो क्या मान लोगे जीरो पोटेंशियल तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा आई मीन वही नोडल एनालिसिस यूज करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं इसको सोच सकते हैं जैसे हम देखेंगे एक एग्जाम्पल देखेंगे कि यहाँ आपसे पूछा गया देखो जैसे क्या है एग्जाम्पल देखो सिंपल एग्जाम्पल पहले कि सबसे पहले यहाँ हर एग्जाम्पल में क्या होगा यहाँ मैं लिख देता हूँ कि हमने माना है कि लेट क्या होगा लेट डी इक्वल टू क्या होगा सेपरेशन हमने मान लिया सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव प्लेट्स ए क्या है एरिया ऑफ द क्या है ऑफ द प्लेट ठीक है और यहां मैंने मान लिया है कि कहां रखा गया है फ्री स्पेस में रखा गया है सब तो ये क्या है परमिटिविटी ऑफ द क्या है फ्री स्पेस ये चीज हमेशा आपको क्या करना है ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा इसलिए हमने एक ही जगह क्या किया कंसीडर कर लिया अब आपको क्या करना है इसमें एग्जांपल देखो क्या दिया पहले तो ये दिया हुआ है देखो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन कैपेसिटर से रिलेटेड नहीं पढ़े हैं चीजें तो इसलिए ये तीन कंडक्टिंग प्लेट दिया हुआ है इनके बीच सेपरेशन हमने ऑलरेडी ये मान लो ए और ये क्या है बी ठीक है आपसे पहले पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा कि देखो ध्यान से पहले चलो हम हमने क्या किया है एक बैटरी ए और बी के बीच क्या किया है कनेक्ट कर जिसका ईएमएफ क्या है आपसे पूछा गया है कि फाइंड क्या होगा चार्ज ऑन ईच प्लेट पहले तो हम क्या कैलकुलेट देखो क्या है पहले हम लिखेंगे कि फाइंड ये में क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड क्या है ए एंड बी बी में क्या है चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी या चार्ज ऑन ईच प्लेट सबसे अच्छा ईच प्लेट ठीक है सी में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द क्या होगा प्लेट्स और डी में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द क्या है प्लेट्स ये सभी क्वेश्चन मैं एक साथ कंसीडर कर लिया है ना अब क्या करना है देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको जब भी प्रॉब्लम मेथड मैं पहले फर्स्ट बताऊंगा उसके बाद इसी से हम सेकंड सॉल्व करेंगे क्या होगा M1 में क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है कि इस टर्मिनल को इसको क्या करना है जीरो पोटेंशियल आपको क्या करना है मान लेना है और हमेशा यदि बैटरी इधर पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर रहा है
तो इधर याद रखना है क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा, ठीक है, क्या होगा इधर, क्या होगा माइनस क्यू चार्ज। अब इस पे प्लस क्यू चार्ज जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा इस पे, क्या होगा प्लस क्यू चार्ज आएगा, तो यहां क्या होगा प्लस क्यू, प्लस क्यू, यहां क्या होगा आपका माइनस क्यू, अगेन यहां क्या होगा प्लस क्यू, यहां क्या होगा माइनस क्यू। हमेशा याद रखना है कि ये चार्ज जो हम सप्लाई करते हैं वो कहां रिसाइड होता है, इनर सरफेस पे रिसाइड होता है, आउटर सरफेस पे रिसाइड नहीं होता है, हमेशा माइंड में रखना। और मैंने ये बताया था कॉन्सेप्ट, क्या बताया था कि अपोजिट फेसेस जो क्या होता है, फेसिंग सरफेसेस जो होते हैं उन पे क्या होता है ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट नेचर का क्या होता है चार्ज होता है। ये मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पहले ही कि हाउ टू कैलकुलेट चार्ज, चार्ज ऑन ईच सरफेसेस ऑफ द पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आप ध्यान से भी देख सकते हैं कि देखो, यहाँ ध्यान से देखोगे तो दो कैपेसिटर, यदि हम इसको क्या मान लें, देखो तो इसको वन फेस मान लें, इसको टू मान लें, इसको थ्री, इसको फोर मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप देखोगे कि फेस वन और फेस टू मान कंसीडर होकर के एक कैपेसिटर बना देगा, फेस टू एंड फेस थ्री एंड फेस फोर कंसीडर होकर के क्या होगा एक कैपेसिटर बना देगा। और देखो दोनों पे क्या है, चार्ज सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों क्या होगा सीरीज में होगा, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम बाद में सोचेंगे। अब क्या करना है कि यदि मैं इसका पोटेंशियल क्या मान लूं, वी नॉट मान लूं, क्या मान लूं वी नॉट मान लूं, तो हम लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, और वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहां यदि हमने जीरो मान लिया है तो यहां पोटेंशियल क्या हो जाएगा वी, आई मीन यहां का मतलब क्या हुआ यहां, तो हम क्या लिख सकते हैं वी माइनस वी नॉट, क्या लिखेंगे वी, आई मीन क्यू इक्वल टू क्या होगा सीवी, और हम मान लेते हैं कि सी नॉट, यहां मैंने मान लिया कि सी नॉट इक्वल टू क्या होगा एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन क्या होगा डी होगा। देखो तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, तो इनके बीच कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन क्या होगा डी, एक पैरेलल प्लेट ए कैपेसिटर हो गया तो इनके बीच भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन क्या होगा डी होगा। अब मैं लिखूं तो हम लिख सकते हैं भी, हाँ यहां क्या होगा, अब सी इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो ध्यान से, सी इक्विवेलेंट आई मीन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा चार्ज सप्लाई, आई मीन चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा V प्लस माइनस क्या होगा V माइनस, आई मीन क्या होगा Q अपॉन क्या हो जाएगा V हो जाएगा। यही हमेशा क्या है माइंड में रखना है, Q Q क्या है चार्ज, चार्ज चार्ज सप्लाई बाय द क्या होगा बाय द बैटरी, और दिस इज नथिंग बट द EMF ऑफ द क्या होगा ऑफ द बैटरी, ठीक है EMF ऑफ द बैटरी। देखो यहाँ दिख रहा है तो बाद में कैसे हम एक अरेंजमेंट करेंगे ये भी देखेंगे, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ, देखो क्या लिख सकते हैं V माइनस वी नट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं क्यू, क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं सी नट, आई मीन लिख सकते हैं क्यू, हाँ क्या होगा क्यू अपॉन सी, एक इक्वेशन ये हो गया। उसी तरह हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं वी माइनस जीरो, क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या है जीरो है, तो लिख सकते हैं वी वी नट माइनस जीरो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं क्यू अपॉन क्या हो जाएगा क्यू अपॉन क्या हो गया सी नट हो गया, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, तो फ्रॉम क्या लिखेंगे और नाउ क्या, नाउ वन प्लस क्या हो जाएगा सेकेंड, तो कितना हो जाएगा वी इक्वल टू क्यू इंटू क्या हो जाएगा वन अपॉन सी नट प्लस क्या हो जाएगा वन अपॉन सी नट, ठीक है। अब देखो यहां से हम लिख सकते हैं कि क्यू यहां से क्या हो जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा क्यू इंटू क्या हो जाएगा टू अपॉन क्या हो जाएगा सी नट हो जाएगा। अब यहां से लिख सकते हो Q by V is equal to क्या होगा C नट by क्या हो गया टू, और यही क्या होता है equivalent capacitance होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं C equivalent equal to क्या होगा C नट by टू, आई मीन कितना हो जाएगा epsilon जीरो A upon क्या होगा टू डी। तो एक method भी है, जैसे ही ये मालूम चल गया तो हम आसानी से अब क्या कर सकते हैं, चार सभी faces पे देखो तो
सी इक्वेलेंट मालूम चल गया तो क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, उसके बाद आप आसानी से चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन जीरो। तो चार्ज मालूम है, एरिया मालूम चल गया, तो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन जीरो मालूम चल गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, वी इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी। तो उसे आप ये सभी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, सभी पॉइंट आप क्या कर सकते हो, खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके बाद तो अब हमने देखो, तो दूसरा मेथड क्या है कि यहां आप ध्यान से देखना कि ये दो प्लेट है, देखो तो एक ऐसे कैपेसिटर है, क्या है देखो क्या है, वन और टू मिलकर के एक कैपेसिटर। तो हमने क्या किया, एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। प्लेट टू जो है वो क्या, दोनों में कॉमन है, तो एक कैपेसिटर ए हो जाएगा, ये क्या होगा, आई मीन टू थ्री, और दिस इज नथिंग बट द फोर, ये मेथड टू हो गया। डायरेक्ट सर्किट हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया, ए वन टू। अब यहां से आप आसानी से क्या कर सकते हो, चार्ज इस पे क्या हो गया प्लस, इस पे माइनस, इस पे क्या हो गया प्लस, इस पे क्या हो गया माइनस। अब आसानी से चार्ज सीनट, सीनट सीनट इक्वल टू क्या होगा, सीनट इक्वल टू इप्सिलॉन जीरो ए अपॉन क्या होगा डी। देखो ये क्या हो गया, दोनों क्या होंगे, सीरीज में हो गए हैं, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ सी इक्वेलेंट इक्वल टू सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, आई मीन कितना हो जाएगा, सीनट बाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, माइंड में ध्यान देना है, ठीक है। तो सेकेंड मेथड से क्या है, डायरेक्ट आप क्या करो, कैपेसिटर क्या करो, कनेक्ट कर दो और फिर डायरेक्ट सर्किट ड्रॉ कर लो। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखो यहां ध्यान से अगेन देखो क्या है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा क्या करूंगा, चेंजेज करूंगा, है ना, हम क्या करेंगे, थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। पहले देख लो ये क्या हुआ, ए और ये प्लेट बी है। अगेन हमने क्या किया कि यहाँ सिंपल दिया हुआ है, ऐसे सेपरेशन दिया हुआ है डी, प्लेट एरिया कितना दिया हुआ है ए दिया हुआ है, सेपरेशन क्या दिया हुआ है डी, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि फाइंड क्या होगा, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन क्या होगा, पॉइंट ए एंड क्या होगा, ए एंड बी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, ऐसे सोच सकते हो, मेथड फर्स्ट मैं बता रहा हूं, यहां सर्किट डायग्राम ड्रॉ, ए फेस क्या हुआ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। तो देखो इसका एक प्लेट, इसका एक प्लेट, एक कैपेसिटर, दूसरा इसका और इसका एक कैपेसिटर, तीसरा देखो तो एक कैपेसिटर ऐसे बन गया, यही ए हो गया और एक क्या हो गया बी, ए सी नट सी नट सी नट। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं कि सी ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं सी नट बाई क्या लिख सकते हैं थ्री लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सी नट बाई, हम आसानी से क्या लिख सकते हैं थ्री लिख सकते हैं। सेकेंड मेथड से आप इसको कोशिश करोगे ट्राई करने के लिए तो आप कर सकते हो आसानी से, इसमें सेकेंड मेथड से खुद से ट्राई कर लेना। देखो दूसरा एग्जांपल दूंगा, ये मान लिया ए है और ए क्या है बी है, और हमने इनको दोनों को क्या किया है, कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड कर दिया, आई मीन सॉरी ग्राउंड नहीं, कनेक्ट कर दिया। आपको क्या करना है, फाइंड अगेन क्या है, फाइंड फाइंड इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन क्या होगा, बिटवीन ए एंड बी एज सोन इन द, सोन इन द क्या है, इन द। तो देखो
मैंने क्या बताया था कि जिसके बीच आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, हमेशा याद रखना है कि जो क्या है इस पे, क्या होगा कनेक्टिंग प्लेट पे चार्ज ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व होगा। अभी चार्ज जीरो है टोटल चार्ज, तो बाद में भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है कि नोट में क्या, बाद में हम देखते हैं कि चार्जेस ऑन द सिस्टम ऑफ प्लेट्स कनेक्टिंग टुगेदर विल बी क्या होगा, विल बी ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज कंजर्व। ये पॉइंट माइंड में रखना। अब हम, मैंने क्या बताया कि जिसके बीच ये कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, उनके बीच क्या करो, एक बैटरी कनेक्ट करो। हमने मान लिया कि इसका ये जीरो पोटेंशियल, मान लिया जीरो पोटेंशियल, तो इस प्लेट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ इसका ईएमएफ यदि ई है तो पोटेंशियल बी हो गया, और इसका पोटेंशियल यदि हमने बी नट माना तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, वी नट होगा। कोई डाउट नहीं है, है ना, क्या होगा इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, वी नट होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, चार्ज का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन में है। अब इस पे यदि क्या होगा, हमने मान लिया कि क्यू नट चार्ज जा रहा है, क्यू चार्ज जा रहा है, तो यहाँ दो फेसेस हैं, तो इस पे मान लें कि एक्स होगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, क्यू माइनस क्या हो जाएगा, एक्स। अब इस पे एक्स हुआ तो इस पे क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, चलो हमने मान लिया प्लस एक्स, तो इस पे ठीक है एक्स, इस पे क्या हुआ, क्यू माइनस क्या हुआ, क्यू माइनस एक्स, तो इस पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या होगा, क्यू माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो इस पे क्या है, अब इस पे क्या, देखो इधर क्या चार्ज जाएगा, मैंने बताया था माइनस क्यू, ठीक है, तो इस पे माइनस क्यू जाएगा, इस पे क्या है, क्यू माइनस क्या है, एक्स है, इस पे क्या है माइनस, तो इस माइनस क्यू ऑफ क्या हुआ, माइनस एक्स, तो इस पे कितना होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये दोनों आउटर प्लेट है, दोनों कनेक्टिंग प्लेट है, उस पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इस पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो तो इस पे क्या होगा, माइनस क्यू, तो इस पे लिख सकते हैं, क्या लिखें, प्लस एक्स माइनस क्या लिखें, ठीक है, तो यहां देखो ये क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू माइनस क्या हो जाएगा, एक्स, क्योंकि इस पे टोटल चार्ज भी क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इस पे माइनस क्यू ही होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब कुछ नहीं करना है, ये जब भी आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो ये मेथड केवल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो। अब यहाँ सी इक्वेलेंट क्या होगा, देखो सी इक्वेलेंट क्या होगा, क्यू चार्ज सप्लाई बाई द बैटरी अपॉन क्या होगा, वी ए माइनस क्या होगा, वी बी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन क्या होगा, ठीक है। अब यहां तुम देख सकते हो ये क्या होगा, इस पे यदि हम पॉजिटिव चार्ज मान लें तो ये क्या हो गया, निगेटिव। तुम देख सकते हो कि ये कितने, देखो ये वाला जो प्लेट है ये, इस पे आप आसानी से देख सकते हो कि चार्ज का जो ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, ठीक है। तो आप ऐसे सोच सकते हो, तो यहाँ से क्या होगा, हम यदि लिखें, क्या लिखेंगे, यहाँ मुझे पोटेंशियल लिखना है, इसका तो हमने जीरो पोटेंशियल माना है, तो पहले हम लिखें वी नट, देखो तो वी नट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सॉरी क्या लिख सकते हैं, क्यू वी नट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू, इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज है क्यू, क्यू माइनस एक्स अपॉन क्या है, सी नट। अब आइए हम इस पे लिखते हैं क्या होगा, देखो ये क्या हुआ, ए प्लस है, ए प्लस हो गया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, वी नट माइनस क्या होगा, वी नट माइनस कितना होगा, वी नट माइनस वी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू माइनस एक्स अपॉन सी नट। ए इक्वेशन फर्स्ट, ए इक्वेशन क्या होगा सेकेंड, ठीक है। अब एक इक्वेशन और लिख सकते हैं कि वी
इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन क्या लिख सकते हैं, सी नेट। ठीक है, तो यहां से शायद हम सोचें तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो तो यहां से वी नट माइनस वी इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, वी नट माइनस वी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू, क्या लिख सकते हैं आई मीन इससे, तो ये कितना हो जाएगा क्यू माइनस टू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा सी नट, ये थ्री हो गया। तो फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड तो कितना हो जाएगा क्यू माइनस टू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा क्यू माइनस क्या हो जाएगा एक्स, तो क्यू माइनस ये हमने कहीं गलत कर दिया क्या, क्यू माइनस टू एक्स, वी माइनस क्या हो जाएगा वी नट, हमने कुछ गलत लिखा, वी नट माइनस क्या होगा, ओ वी नट माइनस जीरो होगा ना, सॉरी हाँ यहाँ हमने गलत कर दिया है, वी नट माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पोटेंशियल इसका क्या है वी नट है, इसका जीरो है, तो वी नट माइनस जीरो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा वी नट माइनस जीरो, एक इक्वेशन वहाँ से मिल गया। और यहाँ से आप आसानी से क्या कर सकते हो, तो एक इक्वेशन आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लिख दो, हमने सही लिखा है ना वी नट, हाँ तो हमने वो इक्वेशन लिखा है यहाँ से वी नट माइनस, नहीं ये तो सही लिखा है वी नट माइनस वी, ये क्या होगा वी, हमने ये चीज़ गलत लिखा है, देखो वी माइनस क्या हो जाएगा वी नट, सॉरी ये गलत लिखा था। देखो क्या है, ये हम किसके लिए लिखे, इसके लिए, इसके लिए लिखा, ए मान लो कि वन प्लेट टू थ्री फोर मान लो, तो वन टू लिखा मैंने, फॉर वन टू, फॉर क्या होगा फॉर वन एंड टू, ये मिल जाएगा, फॉर क्या होगा फोर एंड थ्री, ये हो गया फोर एंड थ्री, और एक इक्वेशन अपने को मिल जाएगा कि वी नट इक्वल टू क्या होगा एक्स अपॉन क्या होगा सी नट। अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी वी इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंपल क्या करो, इसमें से इसको क्या करो सब्ट्रैक्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा वी माइनस वी नट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो टू एक्स माइनस क्यू नट अपॉन सी नट, अब तुम दोनों को इक्वेट कर दो, तो फ्रॉम क्या हो जाएगा फ्रॉम सेकेंड एंड क्या हो जाएगा थर्ड, तो ये कितना हो जाएगा q माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस क्यू, ठीक है ए टू एक्स इक्वल टू आई मीन टू क्यू, टू क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री एक्स, तो x इक्वल टू क्या हुआ टू क्यू बाई क्या हो गया थ्री, अब कहीं वैल्यू रख दो, इधर ही वैल्यू रख दो, देखो कैपेसिटर मिल गया, ठीक है। दूसरा तो हम सीरीज पैरेलल यूज करके तो हम यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, देखो क्या दिया v इक्वल टू एक्स अपॉन क्या है सी नट, वैल्यू रख दो तो v इक्वल टू क्या हुआ टू क्यू अपॉन क्या हुआ थ्री सी नट, तो q बाई वी इज इक्वल टू थ्री सी नट अपॉन क्या हुआ टू आई मीन थ्री इप्सिलॉन जीरो ए बाई क्या होगा टू डी, कैपेसिटेंस हो गया। आप क्या कर सकते हो, आप खुद से इसको अरेंजमेंट करके आई मीन क्या है सर्किट डायग्राम दो कॉम्बिनेशन में लिख करके खुद से क्या करना, दूसरे मेथड से आप कैलकुलेट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, डायलेक्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ओके थैंक यू।